कर दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनी टेक एंड एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SSC MTS एंड हवलदार के ऑनलाइन एप्लीकेशन को। अगर आपने अप्लाई किया है और अभी अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना चाहते हैं, अपने एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम सिटी को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको पूरी पूरी जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे रीजन का बताया हूँ, आप किसी भी रीजन से हो ऑल रीजन का इसमें बात किया हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी जाके आपको समझ में आएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल कर बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको सर्च बॉक्स में आना है। सर्च बॉक्स में आने के बाद आपको लिखना है alljobforyou.com। इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है तो ऑल जॉब फॉर यू के ऑफिशियली साइट इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर एडमिट कार्ड के सेक्शन में आपको आना है और इस एडमिट कार्ड के सेक्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी SSC MTS एडमिट कार्ड एंड एप्लीकेशन स्टेटस 2023। इसमें आपको क्लिक करना है तो इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपको इस प्रकार से इंटरफेस होगा। ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन वाला पेज है और यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगी। तो इस पेज में आपको नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपको इंटरफेस होगा। यहाँ पर सारा रीजन और सारे स्टेट और डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं रीजन नेम, स्टेट नेम, और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए आपके लिंक जो है यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है, जो कि नीले कलर का अवेलेबल नाउ दिखा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड के लिए आपको ये बगल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड में देख सकते हैं अवेलेबल सुन बता रहा है, यानी एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया किसी का। एडमिट कार्ड कब तक डाउनलोड होगा इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको पता नहीं है कि आपके रीज़न क्या है तो यहाँ से स्टेट नेम से भी आप अपने रीज़न को जान सकते हैं। जैसे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड दिखा रहा है, इनका NR रीजन है, यानी नॉर्थन रीजन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु का आपके साउथर्न रीजन, यानी ऐसा रीजन है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। उसके बाद इनका जो स्टेटस चेक करने का लिंक है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार मैं ईस्टर्न रीजन का एक स्टेटस चेक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैं ईस्टर्न रीजन से अप्लाई किया हूँ, तो यहाँ से ईस्टर्न रीजन का जो लिंक है यहाँ पर देख सकते हैं अवेलेबल ना बता रहा है। तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस होगा। यहाँ पर स्टेटस या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर आपके डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पर आपको एक सम मिल जाती है जैसे 6 और 8 14 हो गया, तो यहाँ पर आपको 14 फिल करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। फ्रेंड्स, इसमें क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको इंटरफेस होगा। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पेपर आ जाएगा, जो कि नीचे की ओर आएंगे तो ओके का एक बटन मिलेगा। इसमें क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सारे का सारे डेटा यहाँ पर शो होने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपके रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, रिपोर्टिंग टाइम, सिटी ऑफ एग्ज़ाम और यहाँ रीजन फॉर रिजेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर अगर आपके फॉर्म रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर ब्लैंक की जगह में आपके रिजेक्ट फॉर रीज़न, यानी आपके रीज़न दिखाएगा किस रीज़न से आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके एडमिट कार्ड अगर ईस्टर्न रीजन से आप अप्लाई किए हैं तो यहाँ आपके एडमिट कार्ड 7 दिन पहले डाउनलोड हो जाएगी, यानी आपके एग्ज़ाम के 7 दिन पहले डाउनलोड होगी। बाकी सर रीजन का 3 से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप दूसरे रीजन से हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले KKR रीजन का मैं दिखा दूँ। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसी प्रकार से आपका आएगा। यहाँ पर फिल करने के बाद सेम टू सेम आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन स्टेटस को चेक NR कर रीजन की सकते हैं। बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें NR रीजन में क्लिक करेंगे तो NR रीजन का इस प्रकार से इंटरफेस होगा। आई एग्री में क्लिक करना है, सबमिट कर देना। इसके बाद आपका इस प्रकार एप्लीकेशन से स्टेटस चेक करने का पेज खुल देख जाए। सकते हैं साउथर्न रीजन का है तो इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें भी इस प्रकार से खुल के आ जाएगी। इसमें जो जो डिटेल्स आपको मांगा जाता है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना है और चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स, फाइनली सभी रीजन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है, जो कि आप अपने एग्जाम सिटी एग्जाम सेंटर देखने के लिए एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए जो लिंक होता है वो लिंक आपके एक्टिव कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो कि एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर अवेलेबल सुन बता रहा है, ये भी आपके इसी प्रकार से यहाँ पर अवेलेबल नाउ जैसे दिख रहा है यहाँ भी अवेलेबल नाउ देखने को मिल जाएगी। जैसे ही एक्टिव होगी वैसे ही अवेलेबल नाउ देखने को मिल जाएगी। आई होप फ्रेंड्स, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप अपने एग्जाम सीटी को चेक करेंगे, एग्जाम डेट को चेक करेंगे और एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल के बटन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।